हाँ तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपका बाबा फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेके। मैं अभी तिकोनिया चरा राजपुरा पे हूँ और अभी राजपुरा से निकले हम। मेरे साथ है काना भाई। काना भाई हेलो करो। हेलो कर दिया भैया, फोन भी आ गया काना भाई का। तो ये देखिए हम तिकोनिया चौराहे से निकल रहे हैं। बढ़िया चौराहा हमारा तिकोनिया चौराहा नैनीताल रोड का बिल्कुल शान। हम सीधा जा रहे हैं अब जमरानी की तरफ। आपको दिखा दे जमरानी नदी। आज राजपुरा गेट से निकल गए हम लोग दोनों जने, क्योंकि रेलवे का जो काम था हमारा पूरा हो गया है। क्यों तुम्हारी गाड़ी ने मार दिया पूरे चक्कर? तीन चलाई नहीं आज गाड़ी। आज नहीं चलाई? अच्छा तुमने इनने गाड़ी नहीं चलाई थी आज वहाँ पे। तो चक्कर पड़ गया है रेलवे का। अब जाएंगे हम सीधे जमरानी, तो वहाँ जाके दिखाते हैं आपको कैसा रहता है हमारा आज का, वहाँ से कैसे खनन होता है, क्या है क्या नहीं है। नया भट्टा खुला। हम अभी कुमाऊं यूनिवर्सिटी पे आ गए हैं, अपना कॉलेज है MBBG। यहाँ पे हम खा रहे हैं बिरयानी हल्की सी। दिन का समय हो गया है, दिन का खाना अभी घर जाते खाने के लिए गए नहीं। काना भाई ने बताया यहाँ पे खाते हैं करके, बढ़िया बनाता है। देखो उसमें ले लूँगा ये देखो यहाँ और भी फ्रेंड लोग खा रहे हैं इनके। मतलब तो शर्मा रहे हैं वहाँ लोग। देखो काना के दोस्त लोग खा रहे हैं खाना वहाँ पर। खाना नहीं बिरयानी, मैंने भी वही करवा दी ऑर्डर। हाँ तो भाई लोगों बिरयानी आ गई है, दिखाओ काना भाई ये वेज बिरयानी हमारी। क्या नाम है इनका? गुप्ता जी। कॉलेज के बाहर खाना हो तो कभी आना। चलो बढ़िया हो रही है बिरयानी यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है हमें खा के। भूख भी लगी थी, काना भाई ने कहा यहाँ पर खाते हैं करके। फिर इसके बाद में बगल में किसकी दुकान है वो भाई की, दिखाओ तो। ये बैठ हल्द्वानी बैठ करके है, बड़ा अच्छा बनाता है भाई। कहाँ से क्या ऑर्डर किया तुमने? पास्ता। इसके बाद हम खाएंगे पास्ता, वो भी टेस्ट करते हैं। घर तो थोड़ी लेट ही होगा जा रहे खाना, तो आपको पास्ता खा के बताते हैं कैसा है यहाँ का। तो भाई लोग हम बिरयानी खा रहे थे यहाँ पर, देखो कौन आया। हेलो कैसे हैं गाइस आप सब? हमें चेतन भाई की याद आ रही थी और हम मिलने आ गए। और ज्यादा से ज्यादा भाई को सपोर्ट करें और लाखों में पहुंचा दें हमारे भाई को। जय हो। बिरयानी खाने आए थे यार तुम्हारे कॉलेज के बाहर? बहुत अच्छा। ये संजय भाई है हमारे। नहीं नहीं थैंक यू, मैंने खाना खा लिया है। खाना खा लिया तो हमने तो ये खाया, फिर पास्ता कह रहे थे पास्ता। अरे वाह, हल्द्वानी बाइट्स का भी थोड़ा सा आप प्रचार करें, हमारे छोटे भाई का है। अच्छा हाँ बढ़िया करके। और टेस्ट बताएं कैसा है? टेस्ट बढ़िया है, बिरयानी अच्छी हो रही है भाई की। हल्द्वानी बाइट्स का भी टेस्ट आपने बताना है पब्लिक को। यही है भाई लोग खाने आइएगा। ये देखो ये हमारा कॉलेज वाला एरिया है कुमाऊं यूनिवर्सिटी हल्द्वानी की, वहीं पर हम लोग पकाई दिखाते हैं आपको पास्ता कैसा रहता है हमारा। हाँ तो भाई लोगों हम पहुंच गए, देखिए आगे यहीं से परसों को मैं कैलाश द्वार गया था और पहुंच गए हैं सीधे जा रहे जमरानी। ला रही है बस ट्रैफिक वगैरह की। हेलो क्या हाल है भैया? सभी खनन भी ऐसा ही यहीं पे है। देखो रोहित भाई और ये मेहरा जी खनन कार्य में लिपते हैं अभी ये। और मैं भी गाड़ी पार करते हैं, मिलते हैं भाई लोगों से। बहुत दिनों बाद आया हूँ जमरानी में। ये देखो भाई लोग है, सभी लोगों की यहाँ गाड़ियाँ है, सब ये जमरानी है खनन व्यवसाय है। गाड़ी लगा देता हूँ यहीं पर, ठीक है भैया कुछ आने वाला था आगे। हाँ तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी आ रही है जमरानी से ही भर के। ये परसों को जब मैं गया था यहाँ से ऊपर कैलाश द्वार की तरफ, ये रास्ता छोटा कैलाश देखिए पूरा लिखा है वहाँ पर, वहीं गए थे छोटा कैलाश किला। और ये जो नीचे का रास्ता जा रहा है जिसमें हम जा रहे हैं अभी, ये सारा जा रहा है सीधा जमरानी की तरफ, जहाँ पर पट्टा है जमरानी का, जहाँ से माल निकल के आता है नदी से। आपको ले चलता हूँ सीधा वहीं पर। ये देखिए गाड़ियाँ सब वहीं से भर के आ रही हैं। हाँ तो भाई लोगों ये देखिए ये हमारी जमरानी नदी, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में पानी चलता है। इसमें गाड़ियाँ पानी से निकल के भी आती हैं, देखो पानी भी दिख रहा होगा आपको। अभी ले जाते हैं अपनी थार वहाँ नीचे ही, बड़ा मज़ा आता है। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ आज मैं, जाड़ों के समय पर आया था जिस एक बीच, और तब के बाद आज ही आ रहा हूँ। नया पट्टा खुला है हमारे प्रशांत चौधरी जी का, उनसे करते हैं मुलाकात बात। हाँ तो भाई लोगों देखो हम यहाँ पर रुके हैं अभी, यहाँ पर थोड़ी सा पॉइंट है, यहीं पर ड्राइवर वगैरह खाना खाते हैं सभी लोग। गाड़ी खड़ी है मेरी, दो तीन दुकानें यहाँ पर, लेकिन हम तो खाएंगे निद्दा का ही चावल। देखो बहुत फेमस है, हमने बहुत खा रखे यहाँ पर, बना रहे हैं चूल्हे में बनाते हैं निद्दा। निद्दा अमूल का डाल लो मक्खन। हाँ चल है भैया, आचल का मक्खन है ये, बनी है दाल हमारी बढ़िया, मज़ा आ गया चूल्हे की दाल निद्दा का। और यहाँ बैठ के खाएंगे, ये देखो ताजी खा रहे हमारे ये काना। हाँ तो भाई लोगों देखो आ गए हैं, चावल दिखाता हूँ तुम्हें कैसे हैं काना भाई। तो खाने भी लग गए काना भाई, बढ़िया हो रहेगा इतने, तुम तो तेल भी नहीं लगा रहे बिल्कुल।
बहुत बढ़िया निद्दा के चावल है, मजा आ जाता खा के। तीन तीन बार खाते हैं, चूल्हे बनाते हैं निद्दा अपने, बिल्कुल साफ सफाई से। थोड़ी जगह आपको ऐसी लग रही हो लेकिन पूरा साफ सफाई हाइजेनिक रहता है हमारा। निद्दा मक्खन पिघल गया इसमें ही, डाला नहीं डाला? डाला है, डाला है, डाला है। हाँ नहीं नहीं मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। ठीक 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 बोलना। हाँ तो भाई लोगो, तो भाई लोगो हम ये आ गए हैं यहाँ पे, देखो निकल गए चावल वावल खा के निद्दा के, बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कांटा होता है नदी से गाड़ी आने के बाद, ये कांटा हो रहा है। और जब भी गाड़ी नदी से आएगी वहाँ अंदर रोल्टी कटती है, जो नीचे कमरा दिख रहा था आपको, ये कांटे पे तुलेगी और फिर उसके बाद जो भी कागज पे लोड होगा उसके हिसाब से ईट बनना बन के फिर गाड़ी यहाँ से आगे को जाती है। नहीं तो अनलीगल मानी जाएगी अगर यहाँ से आपने बिना तुलाए और वो करके, फिर प्रशासन उसमें कार्रवाई करता है। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधा पट्टी की तरफ, दिखाते हैं वहाँ का कैसा व्यू है। गाड़ी भी लोड हो रही है अंदर, वो भी अगर हम समय से पहुँच गए, या देखो हो सकता है कि गाड़ी पहले आ जाए क्योंकि ड्राइवर से बात नहीं हो पा रही मेरी, सिग्नल है नहीं यहाँ पर। तो अंदर ही जाके नदी में दिखाते हैं आपको कैसे क्या करता है यहाँ पर खनन कार्य किस रूप में चलता है। हाँ तो भाई लोगों, हम जाने वाले हैं नदी का जो कट है नीचे उतरने का, वो आने वाला है। देखिए कितना पेड़ का इलाका है पूरा सुनसान, और यहीं पर भाई लोगों जो डैम बनना है ना, जमरानी का डैम, वो भी यहीं बनना है इसी जगह पर। यहाँ पर इससे थोड़ी सा आगे पिलर और वो सब चीजें व्यवस्था है वहाँ पर लगी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी सा आगे जाके। जो जमरानी बांध है हमारा, वो भी यहीं इसी जगह पर बनना है। और आपको दिखाता हूँ जमरानी बांध में जो कार्य हुए हैं पहले कुछ। हाँ तो भाई लोगों, ये देखो जो गेज है डिस्चार्ज स्थल है यहाँ का जमरानी बांध का, यहाँ पर है, ये आ गया है, एरिया शुरू हो गया पूरा। ये देखिए बाद जो जमरानी बांध बन रहा है उसी के लिए वो गाड़ी आई है वहाँ पे। देखिए जमरानी बांध परियोजना जो चल रही है, यहाँ पे टीवी खड़ी आगे से, मैं दिखाता हूँ आपको। ये कुछ लोग आए हैं जमरानी बांध के, कुछ निरीक्षण चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए कुछ ना कुछ सर्वे कुछ ना कुछ करते रहते हैं यहाँ पर ये लोग। वो जो आगे बिल्डिंग दिख रही है वो भी जमरानी बांध के एवज में ही बनाई गई थी कुछ, वहाँ पर जो भी रहा होगा प्रोग्राम। बहुत पुरानी बात है जब कार्य शुरू हुआ था यहाँ पर। ये देखिए ऐसा रास्ता है यहाँ पर जाम, ये देखो यहाँ पर पुल बना हुआ है नदी में हल्का सा गाड़ी निकालने के लिए। देखो इसके ऊपर तो होते हुए जाएंगे हम, फिक्स रास्ता है ये, नहीं खुलेगा इतना ही खुलता है। कितना अच्छा लग रहा है भाई लोगों, पानी देखो वाह। ये है जमरानी, प्रोसेस क्या रहता है रेटा का, हमारी लेबर भी काम कर रही है अंदर। यहाँ पर हमारे ज्यादा आदमी तो नहीं है, करीब कितने रह गए, 35 रह गए ना खाना भाई, 33 है। हाँ कुछ आदमी अभी घर चले गए थे, अभी होली आने वाली है देखो फिर ना चले जाए यार, तो ऐसे ही आदमी कम हो रहे हैं लेबर वाले ना। अब फिर से बुलाने पड़ेगा यार फोन करके आदमियों को वहाँ से, क्यों। हाँ तो दोस्तों आपको दिखाते हैं थार का व्यू कैसा आ रहा है। तो खाना भाई आगे वीडियो बना रहे हैं थार की, देखिए कैसे लग रही है थार, मजा आ रहा नहीं पहाड़ों में कोला के बीच। आगे से गाड़ी आ रही है, पास देते हैं इसको जाने के लिए। ये तीसरा पुल आ गया भैया हमारा, देखो ये मैंने थाड़ी किनारे लगा दी, इसको जाने देते हैं भाई को, फिर लेके जाएंगे यहाँ से। ये और पुल फिर से हाँ तो भैया यहाँ पे तो पुल नहीं है, इसको हम ऐसे ही पार कर लेंगे, कम है पानी। इसी के साथ पट्टे में एंट्री ले ली है, ये जो रेड वाले पिलर लगे हुए हैं पट्टे के निशान है। यहाँ देखो कितना बढ़िया गांव है ये, देखो भैया इतने उबड़ खाबड़ नदी में गाड़ी चलाने में नुकसान भी हो जाता है, पता नहीं टायर पंचर हुआ या कुछ और, ये गाड़ी खड़ी हुई है देखो भर के। तो भैया ये गाड़ियां भर रही है देखो ऐसे सुनसान घाटी में, हैं पानी तो बढ़िया चल ही रहा है, मजा आ रहा। तो भाई लोग इतनी पहाड़ की जड़ से बिल्कुल रेता निकाल के ला रहे हैं आप लोगों के लिए, नीला साफ बिल्कुल देखो ये। और तो भाई लोग ये भर रही है गाड़ी यहाँ पर, मैं दिखाता हूँ कैसे लेबर वाले काम कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो खदानों से बिल्कुल मेहनत करके बिहार से आए हैं सभी, हमारे बिहार झारखंड की लेबर है ये बना रही है रेता भैया, देखो घंटी में उतर जाता हूँ सीधे। हेलो उस्ताद, भर गई गाड़ी? ये उस्ताद है हमारे, उस्ताद नाम बता दो अपना। देवेंद्र भाई गाड़ी बना रहे हैं यहाँ बढ़िया करके, देखो पहाड़ की जड़ों से रेता निकाल रहे हैं। हाँ भाई बढ़िया रेता निकल गया, घंटी आई है देखो रेते की, बढ़िया पूरा माल रेता ही रेता है, बस मेहनत करके। ये देखो
भैया मौज आ गई, खंती लग गई तेरी तो। खंती लग गया, कितने दिन चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है? देखो भाइयों कितना बढ़िया माल आ रहा है खंती में, आज ही से निकला। तो भैया अब तो रेट कम करने पड़ेंगे इन्हें हमारे। किसके आदमी हो तुम? किसका? प्रमोद। तो ये प्रमोद के आदमी है, ये देखो गाड़ी भर रही है यहाँ पर बढ़िया। अगर ये देखो भाई लोग कर रहे हैं मेहनत बिल्कुल पहाड़ की जड़ों में। कहाँ से लाते हैं भैया पहाड़ का नीला रेता? ये निकालते हैं हमारे, कहाँ से हो भाई लोग? पहाड़ में हैं हम लोग, जमरानी। जमरानी कहाँ से आए हो आप लोग? बिहार से। बिहार से आए हैं भैया ये लोग। क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव। ध्रुव भाई है हमारे, ये इनकी टीम है साथ में सभी लोग। ये देखो उस्ताद लोग उधर से भी आ रहे हैं। ये जो आ रहा है कुर्ते वाला ना, ये यस भाई का ड्राइवर है हमारे। यस बेस्ट। ये देखो पीछे से आ रहे करण भाई, वो खड़ी है मेरी थार। यस भाई कहाँ भैया? यस भाई कहाँ? यस भाई कहीं घूमने गए हैं यस भाई आज। हाँ तो दोस्तों, लेबर से बात करने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ बात कर ली, क्योंकि लेबर हमारी कम पड़ गई है इस समय पे। तो मैंने यहाँ जो दूसरी लेबर है उनसे बात कर ली गाड़ी वाड़ी बनाने की। अब निकलते हैं यहाँ से, बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्योंकि तो हमारी गाड़ियाँ निकल भी चुकी हैं। सात गाड़ियाँ यहाँ पर हो गई है लोडिंग वोडिंग हमारी। निकलते हैं सीधे यहाँ से आगे की तरफ को, फिर दिखाते हैं आगे का व्यू आपको जैसा भी रहता है। देखिए कैसा लगा वैसे वीडियो, ये बताइएगा ज़रूर मुझे। तो हाँ दोस्तों, अभी गाड़ी चला रहे हैं हमारे यस भाई के उस्ताद। तो बोले थार चला के देखूंगा मैं एक बार, देखिए कैसे चला रहे हैं। पूछते हैं उनसे कैसा लगा उन्हें थार चलाने के बाद। अभी खुश हो रहे थे हमसे, मिले हम उनसे जब, ये देखिए उतर गए हैं, आ गए, पूछते हैं। हाँ भाई क्या कह रहे थे? ये हमारे सब्सक्राइबर मिले, बड़े खुश हुए। इनने कहा थोड़ी इनने गाड़ी भी चलाई, क्योंकि ये खुद भी एक उस्ताद है। इनने गाड़ी आगे पीछे करी ना, अपने थार ऐसी बना रखी बिल्कुल जैसे मक्खन चल रही है, मजा आ रहा। इनने थार भी चलाई, हमारी उस्ताद आदमी है बिल्कुल एक्सपर्ट है। और चीज आप लेबर के बारे में भी दिखाते हैं, क्या हाल लेबर का है, किस तरीके से भरते हैं लेबर, बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। अच्छा लगता है आपको? बहुत बढ़िया लगता है। देखते हो हमारे ब्लॉग? हाँ हाँ बिल्कुल सारे सारे। तो ये देखो भाई लोग, ये मिले हमारे सब्सक्राइबर, इनसे मिलके हमें भी बड़ी खुशी हुई। इन्हें हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया है, और ये इन्हें कहा कि थार चलाएंगे हम। हमने दीने थार, कैसा लगा चला के? बढ़िया लगा, बढ़िया मजा आ गया है। और ये भी खड़े हमारे लंबू भाई। लंबू भाई हेलो कर दो एक बार और, ये। हाँ तो दोस्तों हम जा रहे थे घर को, रास्ते में फिर हम रुक गए यहाँ पर एक पुल के पास। बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है पानी की, तो रुके हम यहाँ पर। मैं मुँह धोया हमने, थोड़ी सा देखा वाइब ली, यहाँ पे बहुत बढ़िया आपका आनंद आ रहा है। और इसी के साथ फिर हम अब निकल गए हैं यहाँ से नदी से, और काफ़ी आधा रास्ता हमने समथिंग पार कर लिया है। गाड़ियाँ हमारी आगे जा चुकी हैं, और निकलते हैं यहाँ से सीधा हल्द्वानी की ओर। अब मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, बने रहिए। लेकिन इतना अंदर हम पट्टा जब खुलता है, जब गाड़ियाँ लोडिंग होती तभी जाते हैं।